Hi guys, welcome to Rinki's Angel Akin. We are back with monthly readings for you guys. जैसे हम करते हैं तीन टैरो कार्ड एक एंजल मैसेज. इस महीने जो डेक हम यूज कर रहे हैं वो है द सोल्स जर्नी. आपको इस महीने एक डेफिनेट मैसेज आएगा कि आपको क्या चीज फोकस करनी चाहिए, किधर अटेंशन देना चाहिए. तो ये हमारी रीडिंग्स लाइक ऑलवेज होती हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. Also, I would like to take a moment to thank you for the love that you showered on the video जहाँ मैंने 14 years की journey के बारे में discuss कराया है, मेरा path बताया हुआ है आपको कि मैंने tarot cards कैसे join किया and you know how did I learn. Basically वहाँ मैंने बस दिल से आपसे बात करी हुई है. So thank you so much for the love, lovely comments. और वहाँ पर अभी एक giveaway चालू है जहाँ आप you know participate कर सकते हो. अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो गो हैड एंड पार्टिसिपेट. वीडियो लिंक यहाँ दी हुई है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. सो गो हैड एंड डू दैट. एंड यस, लेट्स बिगिन ऑन टू लियो. लियो मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज. तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं. ओके, द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज अ कार्ड ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड हमें बता रहा है कि यार इस महीने ना आपकी अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस डेफिनेटली ग्रो हो रही है. कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत गाइडेंस दे रहा है, बहुत एडवाइसेस दे रहा है, बट आप बहुत बहुत ओवर थिंक कर रहे हो कि यार ये बंदा मेरे बारे में इतना अच्छा क्यों सोच रहा है. यू नो व्हाई डज सो समवेयर दैट डाउट हैज एक्चुअली पॉप्ड इन, यू नो, आउट ऑफ नो रीजन. ये पर्सन आपके डेफिनेटली अच्छा ही सोच रहा है. देयर इज नो नेगेटिविटी. आप इतना ओवर थिंक करके यू नो यू आर पुलिंग नेगेटिविटी टुवर्ड्स यू फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन. तो स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज इट्स टेलिंग मी कहीं ना कहीं वाया वाया से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी विच विल हेल्प यू ग्रो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस. डेफिनेटली ये महीना है ग्रोथ का. अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी दिस मंथ. अगर आप बिजनेस में हो तो कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास जहां इट्स डेफिनेटली गोना टेक यू टू अनदर लेवल विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन इन योर लाइफ डेफिनेटली. अब जो सेकंड कार्ड है वो है डेथ. ये बता रहा है और कितना टाइम आप पास्ट में स्टिक करोगे और कितना टाइम आप पास्ट के बारे में सोचोगे. यू नो देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन फॉर यू टू थिंक अबाउट योर पास्ट एट दिस पॉइंट. इट्स ओनली एडवाइजेबल कि यार जो हो गया उसे छोड़कर आगे बढ़िए. आप उसको लेकर बैठ गए हो, दिमाग में बस वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है. उससे आप अपना जो आने वाला दिन है, आने वाला कल है, वहां पर आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, वहां पर आप नेगेटिविटी पुल कर रहे हो. इट्स ओनली टेलिंग यू स्टॉप एंड एंड वॉक फॉरवर्ड. अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ये पास्ट हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है, ये आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप, एनीथिंग फॉर दैट मैटर. आपके करियर रिलेटेड भी कोई चीज है जो आपको बहुत अगर बॉदर कर रही है और आप यू नो बहुत स्ट्रेस, बहुत फ्रीक आउट कर रहे हो, यू नो बहुत बहुत नर्वस फील कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. इट्स ओनली टेलिंग यू स्टॉप. इट्स ओनली टेलिंग यू एंड. जब तक आप वो एंड नहीं करोगे तब तक आप नई चीज में कैसे एंटर करोगे. तो इट्स अ ब्लॉकेज दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर. ये हर एक इंडिविजुअल के लिए चेंज हो सकता है. यही ब्लॉकेज किसी के लिए करियर ब्लॉकेज हो सकता है, यही किसी के लिए ये एक रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो सकता है. तो आपको अपने लाइफ का ब्लॉकेज अंडरस्टैंड करना है और वो आपको कोई समझा नहीं सकता. वो आपके अंदर से खुद से आएगा. यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज माय ब्लॉकेज एट दिस पॉइंट. अगर कोई भी ब्लॉकेज है जहां आपको लग रहा है नहीं, यू नो आई नीड टू एंड दिस, गो अहेड, take action and work on your life. It's about you to create your ideal life, to create your dream life. आपके लिए वो कोई और नहीं कर सकता. Third card, again a card of opportunity, again a card of pentacle. It's telling me यार there is a window of brightness, you know, but आप उसको overlook करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो at this point. नहीं यार, जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, you know, मैं इस वक्त ready नहीं हूँ कोई चीज के लिए. यार life में इतना उथल पुथल ऑलरेडी हो रही है, अब मैं क्या न्यू मैं एंटर करूँ. तो ये क्वेश्चंस नहीं है, यू नो इट्स टेलिंग यू यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू सो मच. यूनिवर्स इज बीइंग सो काइंड टू यू एंड आप वो ब्लॉकेज क्यों लेकर बैठे हो. देयर सो मच ब्राइटनेस दैट वांट्स टू एंटर. सो अंडरस्टैंड, क्लियर एनीथिंग दैट्स बॉदरिंग यू. सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है. कोई अपॉर्चुनिटी को इस महीने यू नो ऐसे धुतकारना नहीं है. अक्नॉलेज कीजिए. इट्स नॉट टेलिंग यू ले लीजिए वो अपॉर्चुनिटी या ग्रैब कर लीजिए. इफ यू आर ग्रैबिंग नथिंग लाइक इट, यू नो इट्स वेल एंड गुड, बट एट द सेम टाइम अगर आ रही है अक्नॉलेज कीजिए. अगर वो आपको सूट नहीं होती, इट्स स्टिल फाइन, बट दूर से देखकर धुतकारना इज नॉट अ गुड थिंग फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर टाइम.
अब जो एंजल कार्ड आया हुआ है वो है ग्रोथ. अगेन एंजल्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि ये समय है आपका ग्रो करने का. यू नो इट्स 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 टेलिंग यू आई वांट टू एक्सपांड एंड यू नो जस्ट बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट्स अराउंड यू. ये समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को ग्रो करने का हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में. यू नो इट कुड बी एन इंटरनल एक्सपीरियंस, इट कुड बी एन एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, मनी, रिलेशनशिप, हर एक चीज में सिर्फ ग्रो करना है. तो ये महीने अपने आप को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स दीजिए, जहां जहां आप अटक रहे हो आपको सिर्फ यही बोलना है इट्स अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे. तो जैसे जैसे आप अपने आप को रिमाइंड कराओगे आई डोंट सी देयर विल बी एनी रिग्रेट्स, आई डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ यू नो नेगेटिव वाइब्स कमिंग योर वे, बट येस नथिंग बट ग्रोथ इज योर आंसर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो. अगर किसी भी वे में ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. मैं हमेशा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई करती हूँ. सो गो हैड एंड डू दैट. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय.